Audio Jungle. Audio Jungle. Hello friends, आज है मुहर्रम की दसवीं और मौदहा में तो बहुत ही रौनक होती है। मौदहा में देखने लायक मंजर होता है, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे लोग करते हैं, मुहर्रम मनाते हैं। और अभी हम आए हैं छत में, आज फरीद जी हमको छत में लेके आए। वैसे जब फरीद जी होते मैं छत में नहीं आती हूँ, क्योंकि वही आते हैं प्लांट्स देखने के लिए, तो उन वो आए हैं मुझे लेके छत में। और आप लोगों को छत दिखाती हूँ कि इन्होंने देखे छत में कितनी मेहनत करी है। कल रोज़ा रख के तेज़ गर्मी धूप में ये छत में लगे रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको छत दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए फरीद जी की मेहनत, चड़न चड़न। देखिए सारे प्लांट्स जो मेरे सूख गए, सब खराब हो गए, तो उन्होंने सब हटा दिए, कहते नए प्लांट्स ला देंगे। बस मेरा एक चंपा बहुत प्यारा सा बच्चा है वो रह गया है। ये देखिए, और फरीद जी इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। तो ये देखिए पूरी छत एकदम क्लीन एंड क्लियर है, साफ है एकदम। खूबसूरत सा चंपा है, अब मैं चंपा ही चंपा उठा लाऊंगी यार, इसी ने साथ दिया इतनी भीषण गर्मी में। सारे पौधे सूख गए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन, सुबह सुबह का वक्त है और जल्दी से हम लोग ये माला बनवा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ही स्पेशल पर्सन आ रहा है, मेरी जान। तो हम लोग उसको मिलने के लिए जा रहे हैं स्टेशन, तो चलिए फ्रेंड्स वहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं पाठक यहाँ पे, और सलीम की फेवरेट है, सलीम को अलीगढ़ की कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है, पर यहाँ पे उल्टा है, कचौड़ी खस्ता खस्ता कचौड़ी। तो सलीम पे यहाँ से हम लोग कचौड़ियाँ पैक करा लेते हैं जल्दी से, और जल्दी से निकलते हैं, ट्रेन के आने का टाइम हो गया है। फाइनली हम लोग आ गए हैं स्टेशन, और गाड़ी कवर कर ली थी इसलिए थोड़ा सा भागना पड़ गया, फरीद जी के साथ है ना, इसीलिए फरीद जी का ये इन लोगों का इतिहास, इनकी फैमिली का हमेशा भागम भाग मस्ती है, इनकी ट्रेन छूटती है, इनकी इनकी बसें छूटती है, इनका इतिहास है, इनकी पूरी फैमिली का इतिहास है, ये होता है इनके साथ। तो बस खैर फाइनली हम लोग पहुँच गए स्टेशन, और अब देखो अगला बच्चा आ रहा होगा। माला खोलो जल्दी से, ले लो अपने अपने हाथ में, ले लो एक एक ले लो, अरे ले लो ना। अरे गाड़ी पहले, फरीद जी माला लेके रेडी हैं एकदम। माई फर्स्ट स्मार्ट वॉच, अरे
अम्मू के लिए स्मार्ट वॉच आई है भैया, जफर मामू लाए हैं। ये बेसबरा देखो तो, इतनी सारी बद्धी बेल्ट परी जी को मेहनत लग रही है बहुत ज्यादा हंसने में। और कहा आवाज ये छोटी वाली है, बेल्ट दो दो, कितनी अच्छी बेल्ट है। और फ्रेंड्स दो दो डायल आए हुए हैं, दो दो वॉच है फैज की उसमें बॉक्स में। तो हमारे फरीद जी ने एक ले ली है, कह रहे एक मैं बांधूंगा एक फैज बांध देगा। कितना अच्छा है सलीम और कितने अच्छे उसके जीजा जी, दिखा तो दो अल्लाह ये है अच्छा ही। यार सलीम बहुत अच्छी बात है, दो दो आदमी हमने एडजस्ट कर लिया। मामू ये देखिए आपने मुझे कितना अच्छा ग्रैंड, देखिए मामू ने मुझे कितना अच्छा गिफ्ट भेजा। पहली बात तो पावर बैंक बहुत अच्छी बात है, उसके बाद एक बच्चे की कैपेसिटी होती है 10,000 के लिए, एक बच्चे की इतना सही रहता है, लेकिन अच्छा। 25,000 वाला एमएच का बैट, उन्हें पता है ना तुम्हारी कैपेसिटी, तुम कितने बिगड़े हो। नहीं है इसलिए उसको मालूम है ना। कितनी खूबसूरत घड़ी है इसके अम्मू की भी, अरे हमें दूर से दिखा दो। रेड एंड ग्रीन दोनों ही बड़ा खूबसूरत आया है रे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये वाली वॉच फरीद जी ने ले ली है, दो आई है, इतनी खूबसूरत लग रही है। और उसके साथ में ये देखिए चैन है, तो चैन के साथ में फरीद जी ने ये ले लिया। और इतने सारे बैंड्स हैं, देखिए कितने अलग अलग कलर्स हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये इस अगले बच्चे को मिल गया, दिखाओ ना दिखाओ, हाँ लाइट जला के दिखाओ। तो फ्रेंड्स देखिए कितने अलग अलग कलर के बैंड हैं ये। फरीद जी देख रहे हैं कि उन्हें कौन सा लेना है। ये वाला ओल्ड वाला है पापा, इसका वॉच का ये वाला देखो, ये भी तो इसमें लग जाएगा। हाँ, सारे हाँ तो सब तो लगेंगे ना, उसी के है ना, बड़े उसी बड़े के हैं। हाँ तो फरीद जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स देखिए सलीम कितनी प्यारी बॉटल लेके आया मेरे लिए, और इसमें लिखा है सऊदी अरेबिया उसकी निशानी, बहुत ही खूबसूरत बॉटल है ये, एकदम ठंडी ठंडी लग रही है। और एसी भी चल रहा है तो थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, बाहर बहुत गर्म है, अल्लाह इतना गर्म है ना, मुझे तो चक्कर आ गया था पेट्रोल पंप में, इन्होंने तेल डलवाने के लिए खड़ा किया मुझे, रोजे से भी हूँ ना इसलिए। फ्रेंड देखिए कितना खूबसूरत पावर बैंक है और कितना अच्छा लग रहा है, मैट फिनिश है, मैट फिनिश एक और आपके मस्त लग रहा है। मेरे पास हाँ पापा वाला, पापा को दे देंगे और मन नहीं कर रहा है तो रख लो अपना, ठीक है पापा बस पूछ रहे हैं, जफर मामू तुम्हारे लाए ना, पूछ रहे हैं ना पापा बस। हेलो फ्रेंड्स तो आ गए हम लोग घर, और बाहर इतना गर्म था ना वाकई में, इतनी गर्मी हो रही थी कि चक्कर ही आ गया था मुझे तो पेट्रोल पंप में, और बहुत ही गर्मी हो रही थी, अल्लाह पाक पानी बरसा दीजिए बस। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी बाहर, और बाहर जो लोग काम करते हैं सच में तारीफ है उनकी, तो अल्लाह पाक उनको और हिम्मत दे मालिक। तो फ्रेंड्स आ गए हम लोग घर, हम लोग गए थे सलीम से मिलने के लिए, कल सलीम आया है इंडिया, और उसकी फ़्लाइट पहले अहमदाबाद की थी, फिर अहमदाबाद से उसकी एक फ़्लाइट लखनऊ की थी, लखनऊ में मम्मा पापा भैया भाभी लोग सब लोग मिलने के लिए उससे, फैजान भी मिलने के लिए उससे गए थे, और हम नहीं जा पाए थे लखनऊ, तो बस फिर क्योंकि फैज के एग्ज़ाम चल रहे थे तो हम लखनऊ नहीं जा पाए थे, तो बस वो अभी यहाँ से दिल्ली जा रहे थे, तो हमने कहा ठीक है अलीगढ़ तो स्टॉपेज है, तो बस दो मिनट की मुलाकात के लिए हम लोग गए थे उससे मिलने के लिए। और वो हज डेपुटेशन में गया था, आप लोगों को जैसा कि पता है, जिनको नहीं पता मैं फिर से रिमाइंडर दे दूँ कि वो हज डेपुटेशन के लिए गया था, तो वहाँ पे उसकी ड्यूटी भी थी और उसका हज भी मुकम्मल हो गया, उसने उमरा भी किया, अपना हज भी किया, और तो बस अल्लाह पाक ने इतना नवाजा, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो बस फिर अभी आ गए हैं, अभी वो दिल्ली से जाएगा बहरोर और अपनी फैमिली के पास में, क्योंकि शुरू वहीं पर है। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ी देर अब रिलैक्स होते हैं, आराम करते हैं, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स फरीद जी की वॉच रेडी हो गई है, अरे भैया, तो फरीद जी ने अपने फोन पे ये फोटो लगा ली है कल हमारी एनिवर्सरी की,
ये फोटो लगा ली है कल हमारी एनिवर्सरी की, और जैसे इन्होंने ये फोन पे हमें दिखाया वैसे लाइट चली गई, क्योंकि लाइट क्योंकि इतने डबल डबल रोशनी ले नहीं सकती है ना हमारा घर, इसलिए एक ही रोशनी काफी जिसमें हम दोनों हैं। माशाल्लाह। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रहा हूँ पापा के साथ। ये CLO का होता है आगे, क्या कहते हैं पापा, CLO के क्या होता है, मोहर्रम। तभी हम वही देखने जा रहे हैं, मम्मी की तबीयत क्या पी रहे हो? शरबत। क्या है? हुसैनी शरबत पी रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हुसैनी शरबत। कहाँ पर हो? निवास ग्राउंड के पास। निवास ग्राउंड में, निवास ग्राउंड के पास है। अभी हमें यहाँ आने वाला है तो भाई, अभी पापा भी यहाँ लेकर आए। देखिए, मुहर्रम का जुलूस आने वाला है। अच्छा है, तो देखिए फरीद जी मेरे लिए साड़ी लेके आए थे कलकत्ता से, और अभी तक रखे हुए हैं। अभी मैंने इनको बोला कि आपने बोला था कि आप मुझे साड़ी लेके आए हो, मतलब एक हफ्ता हो रहा है इनको आए हुए, पर अभी तक मुझे साड़ी लाके दिए नहीं है, तो ये मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट है। थैंक यू फरीद जी। कितनी प्यारी है, मुझे सिंपल साड़ी इतनी पसंद है फरीद जी, ये कॉटन की कितनी सुंदर साड़ी, वाओ। तो फ्रेंड्स, मैंने इनसे बोला था कि मुझे बंगाली साड़ी ला के दे, वो चाबी के गुच्छे वाली। तो चाबी गुच्छे अभी है नहीं, कोई बात नहीं। बड़ा वाला। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बंगाली साड़ी लेके आए हैं फरीद जी। मैंने उनसे कहा था कि रेड बॉर्डर की लेके आइए, इतना वीडियो कॉल में वो परेशान कर रहा था ना दुकान वाला। फाइनली खैर ये मिल गई, अच्छी है ये साड़ी। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ, बता ही दो यार, मैं अभी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, रेड बॉर्डर करके मैंने इनसे साड़ी मंगवाई थी। ये देखिए कहाँ है इसका पल्ला, कहाँ है, हाँ ये है, ये देखिए। तो ये मैंने बंगाली साड़ी मंगवाई है अपनी। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत प्यारी है, इसका बॉर्डर भी अच्छा मोटा है। देखिए और दिखाती हूँ। और ये फ्रेंड्स साड़ी मैंने बंगाली वाली बोल के पसंद कर ली थी वीडियो कॉल पे, फिर उसके बाद में उन दुकान वालों ने ये दिखाई थी, कॉटन में है, तो ये मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। वो लोग इतने बोलते ना, पहले नहीं दिखाते हम, तो ये दिखाई थी उन्होंने। तो फिर मैंने कहा कि नहीं फरीद जी, मैंने एक ही साड़ी मांगी, आप यही वाली ले आइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, ये कॉल पूरी मत खोलिए, नहीं फिर वो जाएगी ऐसे, इसका पल्ला ये है। तो फ्रेंड्स, एक साड़ी ये है कॉटन में, ये तो मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसी हल्की साड़ियाँ बहुत पसंद है, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगती हूँ हल्की साड़ी में, जैसे कल वाली साड़ी में लग रही थी मैं। वो वाली साड़ी सलीम हैदराबाद से लाया था मेरे लिए, और मैंने भी उससे यही बोल के मंगवाया था कि वो हैदराबाद वाली साड़ी लेना, गोल्डन बॉर्डर वाली। अब ये बंगाली साड़ी है, रेड बॉर्डर वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जल्दी से ब्लाउज बनवा लूंगी और फिर आप लोग को पहन के दिखाऊंगी मैं, ठीक है। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू।
हेलो जी फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो शाम का वक्त है और मैं थोड़ा सो गई थी, तो सो के उठी हूँ। सुबह जल्दी उठी थी इसलिए नींद आ रही थी, तो मैं सो गई थी। और रेस्ट भी ज़रूरी है क्योंकि हमने और फरीद जी ने रोज़ा रखा है, तो पूरे दिन का रोज़ा एकदम ऐसा थोड़ा हो जाता है, क्योंकि अभी रमज़ान के रोज़े नहीं चल रहे, तो उतना फ्लो में नहीं आ पा रहे हैं। तो बस फिर आज का रोज़ा है और कल रोज़ा रखा था उन्होंने, क्योंकि मुहर्रम का 9 और 10 का रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत है। तो बस हमने आज ये रोज़ा रखा हुआ है, तो इसलिए जल्दी से जाते हैं, असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं और अफ्तारी की भी तैयारी करनी है। देखते हैं अफ्तारी में क्या बनाते हैं, क्योंकि रमज़ान में जितना फ्लो होता है जल्दी जल्दी सोचते हैं कि ये तो उतना चने भी भिगाना भूल गई थी, इसलिए वो चीज़ नहीं आ पाती है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जो भी होता है देखते हैं, अल्लाह पाक खुद अफ्तारी में इंतज़ाम कर ही देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा लेट ना करते हुए अब हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, कल तो हमने कुछ अफ्तारी की तैयारी की नहीं थी, तो बस कल समोसे ले आए थे, शरबत था। आज फरीद जी की पसंद से पकौड़े बना लेते हैं बैंगन के, जल्दी से टाइम लगभग हो ही गया और पसीना तो देखिए कितना चू रहा है। मैं बताना, शरबत पीना है, हेलो फ्रेंड्स। तो अफ्तारी में इतनी हड़बड़ तड़बड़ हो गई थी कि जल्दी जल्दी में हमने वीडियो भी शूट नहीं किया, और बस अफ्तारी खाने के बाद में, नमाज के बाद में मैंने बस किया है आराम, क्योंकि दिन भर के रोजे के बाद में जब अफ्तारी कर लेते ना, तो फिर बिल्कुल उठा नहीं जाता है, मन नहीं करता, हाथ पैर भी दर्द होते हैं। तो बस फिर मैं आराम करती रही हूँ और अभी उठी हूँ, तो अभी किचन क्लीन करके आई हूँ और बस अब जा रही हूँ मैं डिनर करने। डिनर में मेरे है आज ये हलीम, दरक्षा के यहाँ से आया है और अब मैं हलीम खा रही हूँ, बताती हूँ कैसा बना है। वैसे अच्छा ही बना होगा देखने से लग रहा है। तो हलीम आया है दरक्षा के यहाँ से और फरिया के यहाँ से आम भी आए थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया दरक्षा एंड फरिया बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने आम भेजे, और मेरा तो हलीम रह ही गया, ये दरक्षा की वजह से रह गया। 3 दिन बोलती रही हूँ उसको कि दरक्षा चली जाओ, मम्मी के यहाँ चली जाओ, फरिया के यहाँ चली जाओ, तो दे आना। उसका बेचारी का भी जाना नहीं हुआ, वो इतनी बिजी चल रही थी ना इस बीच, तो उसका भी नहीं जाना हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, चलो फरिया कोई बात नहीं, तुमको स्पेशल दावा पे बुलाएंगे हम। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।